हरियाणा राज्य के शहर घेवर के लिए प्रसिद्ध सोनीपत में आपका स्वागत है। हमारे साथ पारस हैं, जिनके साथ आज हम सोनीपत का फूड टूर करेंगे। वेलकम सर, आइए शुरू करते हैं। तो ये आ गए हम सोनीपत की सब्जी मंडी। हाँ, ये क्या होलसेल सब्जी मंडी है? हाँ जी सर, जैसे आज़ादपुर सब्जी मंडी होती है, वैसे यहाँ की सब्जी मंडी है, जो शहर की सप्लाई है सब्जी वगैरह की, होटल्स वगैरह में, वो सब यहीं से जाती है। क्या बात है, बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ, फ्रूट्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या खाएंगे हम? सर आज मैं आपको यहाँ ब्रेकफास्ट कराने के लिए लाया हूँ, और यहाँ मैं आपको आलू पूड़ी टेस्ट कराने आया हूँ, क्योंकि हम जब छोटे से थे तब से हमारे पापा हमको यहीं लेके आ रहे हैं, और जो टेस्ट इनका है हम और नहीं कहीं एक्सपीरियंस करते, तो इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे? जनरली रहती है सर। तो मॉर्निंग में लोग ब्रेकफास्ट के टाइम पे यहाँ पे आते हैं? ये भैया 7:30 बजे आ जाते हैं सुबह, एंड मोस्टली 10 बजे तक वाइंड अप हो जाता है सर। बस 2.5 घंटे में? यस सर। दादाजी और पिताजी ने स्टार्ट किया था नियर अबाउट 55 ईयर्स पहले। उसके बाद फिर जैसे हम लोग बड़े होते रहे, मेरे बड़े भैया ने किया, मैं कर रहा हूँ, आगे मेरा नेफ्यू कर रहा है। एक्चुअली ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तो सब्जी मंडी में क्यों शुरुआत की है? एक्चुअली सब्जी मंडी में क्या है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। अगर मैं और बाहर कहीं करता हूँ तो वहाँ मुझे पूरा दिन ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर मैं 12-1 बजे फ्री हो जाता हूँ, तो मैं अपने पार्टीज़ के काम पर फोकस कर सकता हूँ। और यहाँ पे कस्टमर भी रेगुलर? हाँ जी हैं, क्योंकि सब्जी तो ऐसी चीज़ है, सबको चाहिए, सबको चाहिए हैं, तो जो खरीदारी करनी। मेरा 90% कस्टमर ऐसा है जो स्पेशल बहाने से जाती है, यहाँ आए तो चलो सब्जी ले। अच्छा, क्या बात है। और आपको बाइकिंग का भी शौक़ है? हाँ, बाइक करीब 20 साल से मेरे पास एनफील्ड है, 20 साल से चला रहा हूँ। ये मिक्स अचार, गाजर, प्याज, भे, कमल ककड़ी, गोभी, ये गर्मा गर्म बेडमी पूड़ी। अंदर में उड़द की दाल, इसके साथ थोड़ा छोला ले लेते हैं, फिर आलू की सब्जी, ये सही कह रहे थे कि डीप फ्राइड है लेकिन आपको लाइट लगेगा। हाँ, क्या बात है, बहुत ही शानदार। ये सर आप भी लीजिए। और इनफैक्ट सभी चीज़ों में ऑयल की मात्रा बहुत कम है। छोलों में तो है ही नहीं, 99% फ्री है, ना इसमें प्याज है ना लहसुन है। वाह, अचार खाया है, बहुत ही बढ़िया। इसमें भी सही खटास है जो कड़ी में होनी चाहिए। लस्सी से बनाते, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और इनके पास फ़ोन बैक टू बैक आ रहे हैं, कस्टमर्स पहले फ़ोन करके आते हैं क्योंकि इनका माल जल्दी ख़त्म हो जाता है। आप आके यहाँ पे खाना चाहते हैं तो पहले विक्की भाई को फ़ोन करें, फिर पता करें कि पूरी अवेलेबल है कि नहीं करें। देखिए फ़ोन आया हुआ। अच्छा विक्की भाई, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। आलू पराठा, अरे वाह, ये भी लग रहा है काफ़ी समय से है यहाँ पे। जी सर, बहुत पुराना है। कितना साल हो गया आपके दुकान को? ये 32 साल हो रहा है। 32 साल ये आलू पराठा का काम करते हैं। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? हुसैनी अली। हुसैनी अली, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बनारस के रहने। अरे वाह,
बनारस से सीधे सोनीपत। हाँ हैं, अब जाते हैं घर की नहीं बनारस? नहीं जाते, अभी तो लॉकडाउन में वहीं थे। बना रहे रस बनारस हैं, बना हुआ रस। बढ़िया, लकड़ी के चूल्हा पे बना रहे हैं हुसैनी जी पराठा हैं। कितने बजे रहते हैं यहाँ पे? बस 2 बजे तक, सुबह 5:30 6। सही, मन लगता है यहाँ पे? हाँ जी, मन लगता है यहाँ पे। अब जो जहाँ रह गया तो थोड़ा थोड़ा सा मन क्या लगे, अपना गांव अपना ही होता है। परिवार यहाँ है कि वहाँ? नहीं, परिवार का एक लड़का बहू है, उसके 2-3 बच्चे हैं बस, ये रहते हैं साथ में। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पराठा बना रहे हैं। अरे हमने तो किस्मत का मारा हुआ है, इसलिए ये कर धंधा करना पड़ा, नहीं तो रेलवे में था, उसके बाद मास्टरी भी किया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में सुपरवाइजरी का काम किया, फिर सिंचाई विभाग में लिफ्ट, अरे ये ट्यूबवेल ऑपरेटर भी रहे। बस उसका तनख्वाह कितना था, 120-121, 150, रेलवे में 150, 90 रुपया की मास्टरी की। तो वो अच्छा था कि ये अच्छा है? जहाज का घाटा ऊँट के लदने से पूरा हुआ, हमारी ये ऊँट की लदने जो ये सही सही, अपना काम अपना है, अपना काम, किसी के बंधन में तो है नहीं, जब मर्जी बंद करो चलो। लाइए हुसैनी जी पराठा दीजिए, पराठा और मिर्ची का अचार है, बनारस वाला स्वाद आएगा ना इसमें? देखो। अच्छा, बैठिए बैठिए, आइए थोड़ा थोड़ा खाया जाए मिर्च के अचार के साथ गर्मा गर्म पराठा। बहुत तीखा है, बाप रे, आपको बताना चाहिए था ना कि तीखा है। अरे बहुत तेज खाते हैं, एम ठंड आ गया, लाल ठंड का क्या, लाल मिर्ची की चटनी और रोटी खाकर मेरा खा गया, लस्सी पी ले गए का जी साहब। हां बना रहा हूं एकदम टनाटन। ऐसी जगहों पे जैसे बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, सब्जी मंडी हुई, इन जगहों पे सभी वर्ग के लोग आते हैं, तो खाना अक्सर आपको सस्ता मिलेगा, उसके बाद फ्रेश मिलेगा और स्वादिष्ट मिलेगा। जी सर, है कि नहीं? अच्छा हुसैनी जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बढ़िया पराठा खिलाए, बनारस का रस मिल गया हमको हरियाणा में हैं, और बढ़िया अपना गल्ला आप एकदम गर्दन में टांगे हुए, चलिए ठीक है। यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म बूंदी, इसके लड्डू बनाए जाएंगे। दुकान सामने है, ताल वाली दुकान, उनका ये कारखाना है, और ये साहब यहाँ पे अभी बेसन का घोल तैयार कर रहे हैं और फिर बूंदी बनाएंगे। तो ये आगे ओमबीर चाट भंडार घंटी वाले। जी सर बिल्कुल। आटा व सूजी के गोलगप्पे, ब्रेड टिक्की, भरवा गोलगप्पे, आलू पापड़ी चाट। आई नमस्कार सर। नमस्कार भैया। ओमबीर जी आप ही का नाम है? नहीं भैया, मैं लड़का हूँ उनका, ओमबीर मेरे पिताजी का नाम है। वो आते हैं अभी? वो आए भैया। अच्छा अच्छा, ये बताइए आपने दुकान में जो घंटी टांगी हुई है, ये टिक्की खाने से पहले बजानी है या टिक्की खाने के बाद बजानी है? ये भैया जब भी आपका दिल करे तब बजा सकते हैं, ये क्या है हमारा कोड वर्ड है, मतलब इससे घंटी बजाने से आत्मा प्रसन्न होती है खाने के बाद, और क्या बोलते हैं, आत्मा प्रसन्न होती है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, मंदिर में जाते हैं हम लोग घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने उसका वाइब्रेशन जो आता है वो बहुत ही सूदिंग होता है। हैं, और पानी काहे का बनाते हैं? पानी भैया एक हिंग वाला होता है हमारे पास, और एक मीठा होता है खट्टा मीठा। प्रदीपा जी कितने साल हो गए आपकी इस दुकान को?
दुकान को भैया 40 के करीब हो गया। बड़ा अच्छा आपने लिख रखा है यहाँ पे आलू ही आलू, सब्जी व पराठे बनाने के लिए स्पेशल आलू मिलता है। हाँ जी, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है जी, आलू जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अपना खेतों में खुद उगाते हैं। हमारा जो आलू होता है वो देसी खाद का होता है, इसमें यूरिया वगैरह की मिलावट नहीं होती। आजकल जो मंडी में केमिकल वाले आलू आते हैं उससे टेस्ट नहीं बनता, इसलिए हम स्पेशल आलू अपना बोते हैं और दही जो लगाते हैं वो अपने घर की दूध ही लगाते हैं। तो आपके पास भैंसे भी हैं? हाँ जी, गाय भैंसे और तुम्हारे पास। अच्छा जी, आपके टिक्की का साइज तो बड़ा हैवी है, है? ये तो 4 टिक्की के बराबर एक टिक्की है। हाँ जी, हमारी टिक्की जो है औरों से मतलब बड़ी होती है। हमारी एक टिक्की खाने के बाद एक आदमी सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब जो बंदा 2 टिक्की खाता है ना वो एक टिक्की खा लेगा ना वो सेटिस्फाई हो जाएगा, मन भर जाएगा। हाँ जी है। और ये कौन से तेल में बनाते हैं? ये हम जी रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं। इसके अंदर टिक्की के अंदर कुछ डालते भी हैं? हाँ जी। क्या डालते हैं? मसाला होता है दाल का, ये देखो भैया इसमें क्या क्या डाला है। चने की दाल होती है, मूंग की दाल होती है और मसाले होते हैं, इसे अलग ही स्वाद आता है टिक्की का। थोड़े दही वाले आलू डालते हैं और इसमें नमक डालते हैं, थोड़ा मसाला डालते हैं, 3-4 मसाले होते हैं। अगर कोई लाल मिर्च खाना चाहता हो? लाल मिर्च नहीं डालता। ये चटनी होती है? चटनी किस चीज़ की है? अमचूर चीनी की होती है, मीठे वाली डालू? हाँ हाँ, बस ज़्यादा मीठा ना हो। ये धनिया पुदीने वाली होती है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, नॉर्मल होती है। बढ़िया हमारी दही होती है, दही से हम भर देते हैं इसको, बहुत क्रीमी दही होती है। और इसके ऊपर आ गई है जीरा भुना हुआ, इसका जो अलग ही टेस्ट आता है। बढ़िया लगा दिया हमने चम्मच। ये आ गई हमारी टिक्की। हाँ जी, चलिए आइए। बिल्कुल चटपटी और खस्ता टिक्की है। ये दही वाले आलू हैं, बस बस। ये भुना जीरा, नमक डला हुआ, नमक इसमें? हाँ जी, नमक मसाला और जीरा भी है। ये ज़्यादातर ना व्रत में खाते हैं दही वाले आलू, खासकर नवरात्रों के समय में। बिल्कुल क्रीमी दही और ठंडी। सर इनके आलू में स्वाद है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। घंटी बजा देते हैं, मज़ा आ गया सर। दीपक जी अब एक दही गुजिया भी लगा दो। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है, हम खाने वाले थे गुजिया और अब खा रहे हैं गोलगप्पे, सूजी वाले गोलगप्पे। सौंठ और हींग का पानी, हींग वाला पानी, हाजमे का पानी। आइए, ये मस्त है गोलगप्पे के बाद पानी पीना है। पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता जब तक गोलगप्पे खाने के बाद उस पानी ना पिया जाए। सर मुंह में गोलगप्पे के पीसेस आ जाते हैं वो मिक्स करके, और कई बार तो लास्ट में भी होता है ना भैया एक सूखा दे दो है? सर वो तो इंडिया में कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके बाद फिर होता है भैया एक दही वाला बना दो, भैया जो एक पापड़ी दे दो। दीपक जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया टिक्की आपने खिलाई हमें और दही वाले आलू खा के मज़ा आ गया। और जाते जाते घंटी बजा दी जाए, मतलब पसंद आया। हाँ जी, पता भैया क्या होता था, जैसे अब तो शॉप हमारी फिक्स होगी, पहले हम जैसे रेडी लगते थे रहते तो घंटी हिलती थी, मतलब बजती थी अपने आप, आवाज़ आती थी, पता चल जाता था सबको हाँ भाई टिक्की गोलगप्पे वाला गली में आ रहा है या जा रहा है, इसलिए मतलब हो जाता था, सबको पता लग जाता था यहाँ भाई हमारे घर के आगे से चाट पकौड़ी वाला जा रहा है, वो आ जाते थे लेने के लिए। अब फिक्स होगी तो इसलिए घंटी फिक्स होगी। आप सही कह रहे हैं, अभी भी मुझे याद है बचपन के समय में डमरू बजाते हुए आते थे, रामदाने वाला घूमता था गलियों में, डमरू बजाते वाले वो बजाते हाँ, थे। हाँ, तो घर से तो, लोग बाहर निकल के अच्छा आ गया रामदाने वाला आ गया लड्डू वाला आ गया सुन के आ जाते थे, पता लग जाता जी। और फिर ऐसे ही कुल्फी वाला जा रहा हो तो घंटी बजाते जा रहा हो तो लोग घर से बाहर, अब क्या भोंपू आ गए, भोंपू बजाते हैं कई लोग,
और जैसे अभी टी एक गया हमारे साथ कुल्फी वाला, वो गाने बजा रहा है, वो गाने बजाते जा रहा है, तो लोग बच रहे अच्छा वो आ गए। तो ये सब एक बस कस्टमर को बुलाने का तरीका है। और इनफैक्ट आपने बड़ा अच्छा किया, मुझे दुकान याद आ रही है, पुरानी दिल्ली में एक दुकान हुआ करती थी घंटे वाले की, घंटे वाले, तो उनकी दुकान के पीछे ये कहानियाँ हैं कि वो घंटी बजा के अपने कस्टमर्स को बुलाता था, दुकान का नाम ही पड़ गया घंटे वाला। अब वो दुकान रही नहीं, बंद हो गई, चलिए कोई नहीं, लेकिन अच्छा है आपने अभी भी अपने घंटी लगाई हुई है और ट्रेंड नहीं बदला है कि नहीं। ये सब बंटा तो जल्दी दिखता ही नहीं है, हर जगह प्लास्टिक की बोतलें आ गई हैं। शुरुआत से ही ये लोकल है, सोनीपत की है, बत्रा लेमन आप ही की है, रजिस्टर्ड है। अच्छा जी, ये बंटा लेमन है जी सर, इसको लेमन भी बोलते हैं, सिर्फ बोतल को भी, हाँ जी, और कंचे वाली बोतल भी बोलते हैं, और साउथ में इसको शायद साउथ इंडिया में सोडा नहीं क्या बोलते हैं, गोली, गोली सोडा, गोली सोडा, हाँ गोली सोडा ही बोलते हैं साउथ इंडिया में कई जगहों पे। आपने नींबू लेमन, नींबू लेमन, हम नींबू लेमन कहते हैं, नींबू लेमन, और मैं बंटा, चीयर्स। हाँ ये देखिए कंचे की बोतल में पिस्ता, पिस्ता बादाम हैं, रोज मिल्क भी बहुत अच्छा है, सही फिज भी है इसमें। और मुझे याद है दिल्ली में सिर्फ एक ही जगह मैंने ये पिया है, शक्ति नगर में, ये फिज वाला फ्लेवर्ड मिल्क बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और इनके पास रोज फ्लेवर्ड भी है, ये देखिए, ये जल्दी मिलता नहीं है देखने को। इस पे तो क्या लिखा हुआ है, बत्रा मिल्क रोज, मीट मी एनीवेयर बट ड्रिंक मी ओनली हेयर, माय नेम इज बत्रा लेमन, अ रियल सॉफ्ट ड्रिंक। क्या बात है, प्रोप्राइटर आदर्श कुमार, नियर फेज बाजार सोनीपत, नीचे लिखा हुआ नकल से सावधान, रजिस्टर्ड है, आर लिखा हुआ है, हां आर लिखा हुआ है, कोई नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता इनका। और ये भी लिखा हुआ है कि आरओ पानी इस्तेमाल करते हैं, वो शुरू किया है, जो पैकेट आती है ना, क्या कहते हैं अपना डिस्पोजेबल बॉटल, वो भी इन्होंने ही शुरू किया। अब तो देखने में मिलती ही नहीं है जल्दी, मैं बताता हूँ आपको, हर जगह प्लास्टिक बॉटल्स आ गई है, एक कंची वाली बॉटल देखने को मिलती ही नहीं है। अरोड़ा लेमन वगैरह भी प्लास्टिक बॉटल्स आ जी, मैं उनको बता रहा था कि दिल्ली में वो चलता है अरोड़ा लेमन, नहीं नहीं ये रखो आप, चलिए चलते हैं। अच्छा बता जी, धन्यवाद, चलिए। सर अब हम आए हैं शंकर हॉट डॉग पे, ये सोनीपत के सबसे पुराने और सबसे मोस्ट प्रेफर्ड हॉट डॉग शॉप चला रहे हैं इतने टाइम से। जब 8 रुपए का हॉट डॉग था मैं तब से खा रहा हूँ, और आज वो 40-45 रुपए का हो गया, तब भी टेस्ट, हाँ जी सर टेस्ट में बिल्कुल चेंज नहीं है, और क्वालिटी अमूल बटर यूज़ करते हैं ये, और न्यूट्रलाइट दोनों यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। आइए ट्राई करते हैं, मैं अमूल बटर वाला खाऊंगा सर, अमूल खिलाएंगे आपको, डिलीशियसली। आपका नाम क्या हुआ? नाम ओम शंकर। अब कितने साल हो गए आपके काम को? 25 साल हो गए। यही सोनीपत के रहने वाले हैं? नहीं सोनीपत से पहले, अब तो सोनीपत से रख लो 25 साल हो गए, रहते 34 साल वैसे इलाहाबाद प्रतापगढ़ के पास लंबा सफर तय किए आप? हाँ लंबा, 18 साल हमने जॉब भी किया था एटलस साइकिल में, ऑफिस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, बंद हो गई, फिर अपना ये काम दोनों करता था, जॉब भी और ये भी, फिर वो बंद हो गया था, अपना यही संभाल लिया हमने, कहा भाई काम तो करना ही। भैया कैसे सीखे, कहाँ सीखे ये बनाना? यही सोनीपत में ही सीख गया था, जॉब करता था, साइड बिजनेस ढूंढता था, ढूंढते ढूंढते किसी के पास भाई उनको जरूरत थी, हमने कहा भाई ठीक है हम आपकी हेल्पर की हेल्पर ही करूँगा, 2-3 साल हेल्पर ही किया, उसके बाद मैंने काम को कैश कर लिया, फिर 25 साल मैंने अपने पास बिता दिया इस तरीके से। ये है शंकर जी का स्पेशल हॉट डॉग, मक्खन पनीर, मक्खन पनीर वाला, मक्खन पनीर वाला, फुल बटर में तैयार किया गया, जो अंदर स्टफिंग की गई है उसमें आलू है, छोले हैं और राजमा है और टमाटर है, उसके साथ ये लाल मसाला जो देख रहे हैं आप तैयार किया जाता है,
और फिर जब आप मक्खन पनीर वाला मांगते हैं तो तवे पे मक्खन डाल के, प्याज डाल के, मसाला डाल के फ्राई किया जाता है। उसके बाद इस पनीर डाल के फ्राई किया जाता है, उसके बाद फिर इसको बन में स्टफ़ कर देते हैं, ऊपर से प्याज चटनी डाल के तैयार किया जाता है और फिर मक्खन ला के इसको फिर फ्राई किया जाता है, पैन फ्राई किया जाता है। देखिए खाने के साथ सोनीपत में हॉट डॉग शुरू इन्होंने किया था, पहले यहाँ हॉट डॉग नहीं होता था, शुरू इन्होंने ही किया था। चटपटा, हल्का खट्टा भी, मसालेदार एंड बटरी और बन बिल्कुल ही क्रिस्प है दोनों तरफ से। इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, बहुत मिलनसार है। हाँ, इन्होंने पूरी कहानी सुना दी मुझे अपनी 2 मिनट में। चलिए थक गया, लेकिन बताएं पूरे दिन सोनीपत में घूमे हैं ना, सबसे अच्छा आदमी कोई मिला है मुझे तो अच्छा। आप मिले हैं। जय बा, हम बालाजी महाराज हनुमान जी के चरणों में रहता हूँ, इसलिए बाबा की ऐसी कृपा है कि मेरे जमाने से मैंने उनको मांग रखा हूँ, बाबा मेरे के साथ बुद्धि ज्ञान नहीं हो, मैंने धन नहीं दिए, मेरे को आपका चरण चाहिए। देखो झंडा लहरा रहा है, आपका नाम ही शंकर है। चलिए बोले शंकर जी, हम बोले चला जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद शंकर जी, आप ले आई गुड़िया, बहुत खुशी हुई है ना। बाय बाय शंकर जी, फिर मिलेंगे, हमारा सोनीपत आना सफल हो गया, बाय बाय। हम आ चुके हैं विवेकानंद चौक, प्यारे लाल पेड़े वाले की मशहूर दुकान पे। चलते हैं अंदर, पेड़े का जायका लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। चलिए, पुराने वाली दुकान है हमारी 1929 की और ये दुकान है 2013 से, हाँ यहाँ भी 8 साल हो गए। और शुरू से पेड़ा मिलते आ रहा है आपके यहाँ? पहले हम पेड़ा, लस्सी और दूध ही बेचते थे बस, और जब खोआ बंद हो जाता था तो उसकी जगह देसी घी की बालू से। और इतने बड़े साइज का बनाते हैं लोग, ये इतना हैवी खाना पसंद करते हैं? एक किलो, दस इंसान खा जाता है एक किलो पेड़ा? हाँ, अब इंसान नहीं रहे हैं, अब कुतरू रह गए अब नहीं रहा कि जब मोटे मोटे हथाड़े आते थे, आपने देखे नहीं देखे मुझे नहीं पता, तो ये दो आंगली उनकी एक आंगली का जैसे वो भीम दिखाते हैं ना, जी जी, जस्ट लाइक भीम, वो आदमी आते थे, चार दर्दे पैरालाल, एक जोड़ा और दे दे पैरालाल, दूध बना दे 1.5 किलो, लेकिन वो खाते थे आराम से, हमारे की तरह नहीं है, रागा रहे हैं भाग रहे हैं तो बैठते थे होका पीते थे। अब है ऐसा कोई? अब नहीं है, अब तो बहुत कम, आधा किलो पेड़े तो। और ये पेड़े, ये तो 100 ग्राम का, ये कितने ग्राम का एक है? ये 50 ग्राम के लगभग है। अच्छा, वजन करके नहीं। इनका एक पेड़ा 100 ग्राम का है, 420 रुपए किलो। आप साइज देखें पेड़े का, मतलब मैंने तो इतना हैवी पेड़ा पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखा, बिल्कुल घी छोड़ते हुए। मतलब कभी मैंने लाइफ में पेड़ा चम्मच से नहीं खाया। अच्छी मात्रा में चीनी का प्रयोग किया गया है, साथ में अच्छे से भुनाई की गई है मावे की, और उसके बाद ये पेड़ा तैयार हुआ है। अच्छा अंकल जी, थैंक यू। तो आप ही का नाम है मंगत राम जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर। अरे मुजफ्फरपुर में कहाँ? तुर्की स्टेशन, तुर्की पावर स्टेशन। हम भी मुजफ्फरपुर से हैं। देखिए कहाँ भेटा है आप हमको, हरियाणा के सोनीपत में। कितना साल हो गए आपको? आए थे अब यही क्या हो गए आप सोनीपत के? हैं बच्चे हमारे घर रहते।
जाना आना होता है घर? हाँ, बच्चे हमारे घर में पढ़ाई लिखाई सब करते हैं। देखो पारस, हम लोग गुलशन ढाबे पे गए, वहाँ जो काम कर रहे थे लोग, वो कौन थे, कहाँ के थे? बिहार के, मधुबनी के। उसके बाद शंकर पे हमने हॉट डॉग खाया, वो कहाँ के थे? नहीं, इलाहाबाद। वो इलाहाबाद साइड से निकालो। फिर हम लोग आए मंगत जी के पास, ये कहाँ के हैं? यूपी, मुजफ्फरपुर। बिहार के? बिहार के। तो आप यही देखिए कि जो लोग काम कर रहे हैं पूरे देश में, खासकर स्ट्रीट फूड बेच रहे हैं किसी भी शहर में, किसी भी मेट्रो सिटीज़ में, टीयर टू सिटीज़ में, टीयर थ्री सिटीज़ में, वो यूपी या बिहार के ही हैं मोस्टली। हमको मीठा कम खाते हैं। हाँ तो थोड़ी सी खाइए। हाँ थोड़ा थोड़ा खिला दीजिए। हम तो चॉकलेट वाला खा लेंगे। हाँ चोको वाला भी खाइए। ये तो ये कहाँ से सीखे आप बनाना? कहाँ से सीखे बनाना? ये दिल्ली। दिल्ली में किन के हैं? मेरे उस्ताद जी हैं दरियागंज में। दरियागंज में एक फ्रूट क्रीम मिलता है, वही तो नहीं है कहीं? भंसारी मार्केट में है वो, सरदार जी। पहले उनके यहाँ थे आप? दिल्ली 7 साल रहा। और फिर सोनीपत? तो सोनीपत कैसे पहुँच गए आप, मतलब दिल्ली से फिर आ गए किसी तरह? हैं, मुजफ्फरपुर से दिल्ली और दिल्ली से फिर सोनीपत है। हम 82 में जूस लगाते थे वहाँ दिल्ली डिवीजन की तरफ से, SCERT2 खेल पहली बार जो दिल्ली हुआ था, दिल्ली डिवीजन की तरफ से जूस लगाते थे। तो उनका दुकान यहाँ हुआ था नया में, तो हम लोग वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गए थे जूस की दुकान। हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा कि अभी भी पारंपरिक तरीके से यहाँ पे आइसक्रीम बनाई जाती है, हैं, इस सांचे में चारों तरफ से बर्फ़ डाल के और उसको घुमाते हैं फिर, हैं, उसके बाद जम जाता है। दूध क्रीम नेचुरल है, कोई पाउडर नहीं होता इसके अंदर, कोई कस्टर्ड नहीं होती है, कोई GM जेल नहीं होता है, एकदम 3-4 महीने के बच्चे खाते हैं हमारी आइसक्रीम। 4 महीने के बच्चे खाते हैं हमारी आइसक्रीम। व्रत में लोग खाते हैं? हाँ व्रत में खाते हैं बस। तो उससे प्योरिटी कुछ नहीं हो सकता। चलिए मंगल जी लगाइए हमारे लिए भी। साफ सुथरे बनाते हैं ना, कि भगवान के भोग लगा सकते हैं आप किसी टाइम। करौंदे का मुरब्बा होता है, करौंदे का खट्टा होता है। जी जी, अचार डालते हैं हम लोग। अचार डालते हैं करौंदे का मुरब्बा। क्या लोगे? क्या बात। 3 स्कूप हमने लिए हैं, एक वनीला का है, एक स्ट्रॉबेरी का है और एक चॉकलेट का है। चॉकलेट में आपको चोको चिप्स भी है। और 3 स्कूप 40 रुपये का। जय माता दी। अरे वाह, ड्राई फ्रूट्स भी आ रहे हैं। जी सर, किशमिश और बादाम डालते हैं। 40 रुपये में क्या मिलेगा बताइए। चॉकलेट बचती नहीं है, डेली फ्रेश। और मीठा भी पर्याप्त है। हाँ मीठा के हिसाब से। हाँ वरना हम लोग जहाँ भी गए इतना मीठा तेज खाएं, आपके यहाँ बिल्कुल ठीक है, मीठा जेन्युइन होता है। अभी भी इस आवाज़ से बहुत डर लगता है। हाँ मज़ा आ गया, बहुत शानदार। आपने बेस्ट के लिए लास्ट पे रुका हुआ था? बिल्कुल सर। हैं, हाँ हाँ, आत्मा तृप्त। अच्छा मंगल राम जी। ओके सर, धन्यवाद आपका आने का। फिर मौका मिले तो फिर आइएगा। जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जरूर खाइएगा। पक्का पक्का। सोनीपत का जब चक्कर लगेगा तो आपके यहाँ रुक के जाएंगे। 5 बजे के बाद यहाँ आना होगा। 5 बजे के बाद। ज़रूर ज़रूर। चलिए धन्यवाद। सहगल साहब, आपकी दुकान कितने समय से यहाँ पे है? मुझे 33 साल तो रेगुलर हो गए मुझे बैठे। पहले बड़ा भाई बैठते थे, फादर बैठते थे, लेकिन अब 33 साल से मैं ही हूँ यहाँ पे। सोनीपत में लोग पान खाना पसंद करते हैं? अब धीरे धीरे कम हो गया कल्चर। पहले था? पहले आज से 10-11 साल पहले तो ठीक था काम। पहले तो मैं सुबह जैसे 8 बजे आता था, तो मैं नाश्ता 12 बजे करता था, पान का काम इतना होता। जब से ये रुके वगैरह आए पान का काम कम हो गया, अब क्रेज कम हो गया। तो कुछ कल्चर भी नहीं है यहाँ पान का। बाकी पानीपत से आगे चले जाओ करनाल, उधर है पान का कल्चर।
यहाँ डे बाई डे बहुत कम हो गया। ये तो चलो घर की दुकान है, चल रही है गाड़ी। मैं देखा जो आपके यहाँ, लेकिन जो लोग आते हैं वो रेगुलर है? वो रेगुलर है, वो तभी गाड़ी चल रही है, रेगुलर से चल रही है। मेरे पास पंजाब केसरी दिल्ली वाले आए थे। अच्छा, मलमल का कुर्ता और होठ लाल लाल, पार खाए सैया हमार, ये आपकी तस्वीर है? यस। काजू बादाम वाला पान? यस। चांदी के वर्क वाला पान? वह पान लगाते ऐसे 8-10 साल पहले हमारे पास लोग यहाँ से मूव कर जाते थे। यहाँ एक रेस्टोरेंट होता था, बुलबुल होता था, अब वो बंद हो गया। और मंडी के मैक्सिमम शनिवार बढ़िए कि लेडीज वहीं मूर्खल से आना, नहीं तो मूर्खल अच्छी दुकान नहीं है वहाँ, वहाँ महंगा है पान भी, लेकिन टेस्ट चॉकलेट पान। तो वहीं से अपने फ़ोन करने पर पैदा कर फॉर्म आ रही है। शनिवार को मेरे फैमिली ऐसे आती थी, लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया ना, चेंज हो गया। तो पान भी काफ़ी बदल गया, आइस पान आ गए, फायर पान आ गए। हाँ, उस लाइन में हम पीछे रह गए। अभी शुरू करिए? नहीं नहीं अभी नहीं भाई, काम बहुत नहीं, आइस पान लगा दीजिए, फायर पान लगा दीजिए। नहीं वो उस लाइन में हम पीछे रह गए। अब भी कर सकते हैं उसमें क्या? कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं होता। अब वो बस वही है कि अब जैसे एज ए गाड़ी चलेगी बस वैसे चलाएंगे। आप अकेले चलाते हैं दुकान? हाँ, अब अकेले की वजह से ना ज़्यादा, फिर दिल्ली जैसे जाते हैं सामान लेने, महीने में एक बार दिल्ली भी जाता हूँ, सारी बहुत बस। अब 57 होगी मेरी, 57 है। दाल रोटी खानी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाना बस। एट एंड ऑफ द डे तो आदमी यही चाहता है कि खुश रहे और साथ में रोजी रोटी चलती रहे। पड़ोसी को देखते नहीं हम, अपने में बस दाल रोटी में मस्त। धन्यवाद पारस, बहुत ही अच्छा दिन रहा, आप हमें कई जगहों पे ले गए, बहुत ही मज़ा आया। और इसी के साथ हमारा सोनीपत के जायके का सफ़र समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे नए शहर में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अब हम आ चुके हैं विवेकानंद चौक और यहाँ हम, आप ही बोल दो ना, बोल रहे हो, आप ही बोल रहे हो, मैं आप बोलो, अरे नहीं नहीं बोलो, आप बोल रहे हो सर। अच्छा, हाँ भाई करें शुरू, पानी पी लो पहले। ये क्या है? तो हमें वो क्यों नहीं पिलाया? अरे मैं को वो पीना था। आप बंटा बंटा कर दे आपको ये। अरे ये तो पता ही नहीं था मेरे को, ये पीना था। चलो ये पी लो, इसके आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोबारा फिर आएंगे कभी, तब खाएंगे। आप जब भी सोनीपत से कभी गुजरना हुआ तो आपका हार्ट अटैक जरूर खा के जाएंगे, पक्का। हाँ हाँ, आपका नंबर हम नोट कर लेते हैं। जोमेटो भी है, अब बीच में आपसे फोन पे बात भी करते रहे। बीच में अभी इतना दूर दिल्ली थोड़ी डिलीवरी करेगा जोमेटो से? नहीं नहीं जी, कहाँ दिल्ली, 12 किलोमीटर। हाँ वही तो कह रहे, 12 किलोमीटर खुद आना पड़ेगा यहाँ पे, चल के आना पड़ेगा, यहाँ भी 12 किलोमीटर, दिल्ली कहाँ जाएगा। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, तो दिल्ली कहाँ आऊँगा ये नहीं बताएंगे वो आपको, हम पता SMS कर देते हैं। SMS कर दो मेरा नंबर, है ना। और कह रहे हैं कि सोनीपत में इतने लोगों से मिले, नहीं पारस भी अच्छा है लेकिन आप भी बहुत अच्छे लगे हमको, मतलब बेस्ट। तो आप बहुत बेस्ट है, आप बैठे बताओ, हम दिल्ली आपके घर ही आ जाऊंगा मिलने। ठीक है, तो आपको हम पता दे देते हैं। दे दो, कहाँ पे है दिल्ली? मुखर्जी नगर में रहते हैं हम। मुखर्जी नगर तो मैं जाता रहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं, बस फिर ये कल से छोड़ रहे हैं मुखर्जी नगर, आप कल से छोड़ रहे हो? नहीं 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 नहीं, मतलब कहाँ है ना मुखर्जी नगर कैंप, बत्रा बत्रा सिनेमा, बत्रा के पास में रहते हैं वहाँ, तो मैं बराबर जाऊँ, मेरी सिस्टर है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ, वो जो सिनेमा हॉल है ना, हाँ मैं वहाँ जाता हूँ, काफी सारे देखता हूँ, तो वहाँ पर मैं। आप सिनेमा हॉल तो नाम कर रहे हैं? तो नाम पहले खूब देख रहा था, हम भी देख रहे हैं, दुकान लगाने से पहले बहुत सिनेमा देखे हैं। जाता हूँ, टाइम होता नहीं, अपना मिला और चला है, तो मेरे को आप बताओ, वहाँ तो मैं जाता रहता हूँ। कलम है फिट कर लिया, नाम तो पूछे नहीं मेरा, आप कैसे फिट करिए? मैं तो मुखर्जी नगर लिख देता हूँ। नहीं मेरा नाम है अनुभव, अनुभव है ना, लिख लीजिएगा। और कभी बत्रा अगर आए तो हमको थोड़ा एडवांस बोलिएगा, हम भी बत्रा के आसपास रहेंगे, फोन करूँगा आपको रिसीव करने आएंगे ना। चलिए अरे चले जाना, क्या जल्दी जा रहे हैं शंकर जी, चलते हैं, जा रहे हैं चलते हैं, और जगह जाना है हम लोगों। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि सोनीपत आना सफल हो गया, आपसे मिल लिया ना, कोई बात है, 5 मिनट और रुको, चले फिर आएंगे। राम राम जी, जाने दे रहे हैं, आज आप ही निकले हो, आप दर्शन नहीं हुए, जा रहे हैं। मना मन तो बहुत था गप मारने का आपसे, हमको घींच के ले जा रहे हैं, हमारा मन था बहुत गप मारे लेकिन घींच के ले जा रहे हैं।
चले जाना क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? फिर आएंगे दोबारा आएंगे ठीक है शंकर जी। अरे 5 मिनट तो रुको, 5 मिनट चलो बहुत शेड्यूल चलिए चलते हैं। 5 मिनट में कह रहा हूँ भैया, आप काम कर लो भैया, काम का टाइम वेस्ट, काम हमारा यहाँ संध्या का टाइम है। चलिए फिर मिलेंगे, चलिए ठीक है धन्यवाद। चलिए हाँ ये हमारे अंकल है, ये हमारे, ये हमारे शॉप है, ये मेरे पापा हॉल पे टिक्की बनाते हैं घर पे, ये हमारे पापा, ये हमारे पापा तुम्हारा कर देते हैं गोल गप्पे काटते हैं बनाते हैं, मेरे पापा टिक्की बनाता है, आलू 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 फ्राई करके बनाता है चाट, हमारे मेरे पापा ने चाट भंडारा बनाया था। आपका नाम शुभम है? हमारा नाम जी शिवम। शिवम अच्छा, शिवम हमारा नाम। आप खाते हो टिक्की? टिक्की हम दो 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 खा जाते हैं, गोल गप्पे 100 खा जाते हैं। क्या बात कर रहे हो, 100 गोल गप्पे खा जाते हो? 100 गोल गप्पे खा जाता है? 10-15 गोल गप्पे खा लेता है ये मतलब क्या लगा? शाबाश, इनके पास दो तरह की पानी है जिसमें पेचकस डूबा हुआ है क्या ये? अच्छा मैं डर गया, मैंने कहा पेचकस लगाया हुआ आपने। नहीं नहीं बड़ा सही बनाया हुआ आपने सर, जुगाड़ ही तो ये भैया, बार बार आदमी डालना पड़ता है। हाँ हाँ